जलमहल आए हुए हैं। जलमहल जयपुर के अंदर थोड़ा सा नारगढ़ फोर्ट से पहले, और इधर से कौन सा आता है, सिटी से क्रॉस करते हैं, सिटी से क्रॉस करते हैं बाहर की साइड में, जब हम दिल्ली रोड के पास में जाते हैं तो ये जलमहल आ जाता है। जलमहल की स्पेशलिटी कुछ ज्यादा पता भी नहीं है हमें, तो क्या है कुछ पता है? No, कुछ नहीं पता, बस हम जस्ट इसको देखने आए हैं। मतलब अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग बाग आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है। जलमहल के स्पेशलिटी में थोड़ा सा बताऊँ, जो पीछे आपको जलमहल दिख रहा है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब महल जिसको वाटर लेक, मतलब इट मीन्स के ये मानसागर लेक जो जयपुर की है वहाँ पे है, बिल्कुल बीचों बीच है उस लेक के बीच के अंदर। ये आमेर के जो महाराजा थे जयसिंह सेकंड ने इन्हें बनवाया था मानसागर लेक के बीच में, पानी के बीच में। वहाँ पे जाते कैसे? इसको बंद कर रखा है शायद करंटली अभी, मतलब वो ओपन नहीं है, फिर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। बाय बोट ही है, बाय बोट ही वहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा दिखूंगा नहीं मैं आपको क्योंकि अच्छा कंफर्म नहीं है। ओके तो आप देख लो के अंदर, कृपया जिनको पता है वो बता देना, क्रिटिसाइज मत करना। हाँ क्रिटिसाइज मत करना, जिनको पता वो बता दे। तो ये अच्छा सा जलमहल है, तो आप आइए जयपुर के अंदर देखिए, मतलब आपको अच्छा लगे तो आप घूमने भी आइए यहाँ पे। देखो एक बोट चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बोट। माय बैड, यहाँ पे क्या था, बतख था। ओके ये बतख दिख रहा है ना, आराम से देखो। अरे छोड़ ना, छोड़ तो ले। जल महल का व्लॉग हमारा ख़त्म हो चुका है और हम घर जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड डे था जल महल दिखाने का। जल महल क्या है ना कि हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर रोड के ऊपर से हम जल महल को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने जल महल को सिनेमेटिक अंदाज में दिखाने की कोशिश करी, और उसके ऊपर थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगा दिया एडिटिंग करते टाइम पे। बाकी अच्छा लग रहा है।